फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल सूजी का हलवा और काले चने की सब्जी है। सब्जी नहीं बोल सकते, काले चने, सूखे चने जो सूजी के प्रसाद के साथ माता जी को भोग लगाया जाता है। सांझी माता जी को हम भोग लगाते हैं, तो आज उसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि सांझी माता की पूजा होने जा रही है, शाम हो चुकी है, बच्चे आने वाले हैं, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देसी घी का हलवा बनाएंगे। तो ये मैंने दो बड़ी लैडल भर के है देसी घी ले लिया है। इसको गर्म करेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा देसी घी और ले लिया है। अब सूजी को हमने छान के डालना है इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसका मेजरमेंट देखने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं होती, जैसे कि जो सूजी हमारी घी में पूरी डिप हो चुकी है फ्रेंड, बस ये इसका मेजरमेंट होता है। आसान से आसान विधि समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि हम तो सालों से ही ये प्रसाद या कुकिंग का जो प्रोसेस करते आ रहे हैं, हमारे को तो अंदाज़ा हो चुका है। तो अगर कोई बिगनर्स है जिसने नहीं भी कभी भी हलवा वगैरह बनाया होता, तो वो भी वीडियो देख रहा हो, तो आप ध्यान रखिएगा, बस सूजी है वो घी में डिप होनी चाहिए, इतनी डिप होनी चाहिए, ना तो घी ऊपर तैरना चाहिए, तो क्योंकि वो हाथों को ही लगता रहता है फिर। तो इस तरह से इसको हमने हल्का हल्का फ्रेंड्स भूनते रहना है। गैस की आंच हम तेज करेंगे तो पास ही खड़े होना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो आप किचन का और काम भी कर सकते हो साथ के साथ। तो इस तरह से सूजी को हमने तेज आंच पे भून लेना है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है, बच्चे आने वाले हैं। तो इस तरह से इस हलवे को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाए तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो फ्रेंड, अब सूजी हमारी ऑलमोस्ट भुन चुकी है। अब इसमें हमने एक बड़ी कटोरी चीनी की डाल देनी है। जैसे दो कड़छी घी का हम बना रहे हैं, तो दो कड़छी के करीब ही हमने इसमें चीनी डाल देनी है। और साथ ही फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं, कोई हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से इसमें चीनी डाल देंगे। और इससे डबल हमने पानी डाल देना है। ये देखिए, धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे। बस हल्का सा इसको स्टर करना है। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में हमारा हलवा ये देखिए बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही भंडारे जैसा बन चुका है। अब इसकी कंसिस्टेंसी यही है कि हमने पानी डाला और इसको सिर्फ एक मिनट तक हमने चलाया, उसके बाद हमने गैस को कर दिया है बंद, और अपने आप जो एक तरह की टिक्की जैसा जम चुका है। बहुत ही अच्छा हलवा, और अगर आप कड़छी से उठाएंगे तो ये कड़छी की शेप ले लेगा, ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसको कटोरी से उठाएंगे तो ये, अगर आप घुटन से इसको उठाएंगे तो उसकी शेप ले लेगा। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में जो हलवा बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हलवा हो चुका है रेडी, अब बनाएंगे हम काले चने का प्रसाद।